ये एक सेकंड ना, आपकी बीज की भी कहानी एक है जो इंटरनेट पे बड़ी पॉपुलर हुई थी 5-6 साल पहले, वही अंडा बेचने वाला। हाँ, अंडा ढाबा वाला। अरे वो मनहूस 4 अंडे कौन से थे जो मैंने जिंदगी में बनाए थे, आज तक वो खाए जा रहे हैं। तो आप बम्बई छोड़ के चले गए थे? बम्बई नहीं छोड़ के गया था, बम्बई छोड़ के मुझे जाना पड़ा था, मेरी तबीयत खराब थी बहुत 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 बहुत, पता नहीं क्या हो गया था अपने आप। लेकिन दोस्त तो हमेशा ना, अरे शराब पीता ना कभी कभी, इसकी वजह से कभी कभी वो चीज़ है, इंश्योरेंस वाले जैसे बात घर वाले करने लगते हैं, पस वस हो गया था पेट में। तो मैं उस काम के लिए बम्बई से गया था, बिल्कुल डेथ बेड पे था, और कुछ दिन तक फादर के साथ रहा, एकाएक फादर एक्सपायर हो गए। तो और उनका जाना बिल्कुल ही मुझे तोड़ गया, तो मैं सब कुछ हो गया, चचा मम्मी मैं थोड़ा चलता हूँ, मुझे बम्बई आने का बिल्कुल नहीं मन था जी, क्योंकि मैं डेथ को बहुत करीब से देख चुका था कि जब यही जिंदगी है तो फिर कभी भी तो क्यों ना ऊपर वाले की चीज़ों को देखा जाए, जिस दुनिया में उसने भेजा मैं अच्छे से देखता हूँ, पहाड़ों में कहीं कुछ। थोड़ा सोचा कि यार जो छोटा मोटा अमाउंट मेरे बैंक में पड़ा मैं उसको खर्च करके यहाँ पर जिंदा रहने लगूँ तो मुश्किल हो जाएगा यार, फिर कभी जरूरत पड़ी तो क्यों, तो भूल जाओ एक्टिंग वैक्टिंग, यहीं कहीं कुछ सेट होते। तो गंगोत्री जाने वाले रोड पे एक बुढ़ऊ थे, वो भी अपने घर से निकाले हुए थे, उनको सुबह उनके बाल बच्चे भेज देते पापा चलो निकलो, छोटा घर होगा, और वो आ जाते थे बुढ़ऊ एक पतले थे चादर में कहीं ढका हुआ में बैठ जाते थे, आग जला लेते थे। जो लोग गांव वाँव वाले बाइक वाइक से आते थे पहाड़ पर ऊपर चढ़ते थे तो रुक जाते थे, चाचा ये बना लो मैगी, वो लेके आते थे नीचे से, चाचा ये मैगी। मैं 2-3 दिन तक बैठ के देखता रहा उसको, मैंने कहा चाचा एक काम करते हैं, आप बाहर से कोई मैगी लाएगा ना आप मत बनाइएगा, है ना, हम कुछ अंडे ले आते हैं और 20 पैकेट मैगी, फिर हम उससे पैसा चलाएंगे। तो धीरे धीरे हम वहाँ 1-2-3 दिन रहे, तो कुछ बाइक वाले आते थे, कर कर आप कौन साहब, मैं हूँ, अरे आपको तो गोलमाल ऑफिस ऑफिस, तो ये तंग करने लगा। फिर इधर से भी फोन वोन आने लग गए कि रोहित शेट्टी के यहाँ से भी कि भाई कहाँ हो, मम्मी आई दाढ़ी वाड़ी, एक फोटो है मेरे पास वो घूम गई, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, सबसे पहले तो घाट पे बैठ के बैठ यहाँ दाढ़ी बनाओ, बाबा बनाए किसके यहाँ कोई नहीं, ये मम्मी का जो डिसीजन था ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पापा के जाने में मम्मियाँ सबसे ज़्यादा टूटती है, वो कहीं किसके यहाँ कोई नहीं मरता, सही बात है, क्या पैदा होता, आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ये क्या बना रखा है भेषभूषा, चलो उठा करके दिल्ली ले आए। तो वापस जब मैं आया तो फिर उसी दुनिया में फंसा नहीं, अलग लाइफ, सीधा गोवा, गोवा में ढोलू जस्ट चिल, कमरे में कभी भी जाग जाऊं, अरे कि पापा जी को क्या करूं और क्या ना करूं कैसे, और फिर ढोलू जस्ट चिल पिक्चर खत्म हो गई, डबिंग हुआ तो आशीष थे, बाहुल थे, रोहित शेट्टी के सब असिस्टेंट मेरे से बात करने आ ही जाते थे, गुरु जी आ गया, अरे क्या बेवकूफ़ी करवाता है यार ये रोहित शेट्टी यार, लड़ी हेल। जब पिक्चर रिलीज हुई तो रोहित शेट्टी वही मुस्कुराते हुए, हाँ भाई साहब आप बताओ देखो जरा पूरी पिक्चर मेरे नाम पे हो गई है, अजय भाई थे संजय दत्त सर से, तो पता नहीं वो क्या ब्लेस रहा होगा, लेकिन बस इतना ही है वो ढाबा कहानी बस।